हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरवी नदार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताऊंगी गावा यानी अमरूद से हम फेस पैक कैसे बना सकते हैं और हमारी स्किन के लिए इसे क्या क्या फायदे होते हैं। जो गावा होता है इसमें बहुत ही सारा वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको रिड्यूस करता है और हमारी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाता है। और इसके जो पत्ते यानी लीव्स होते हैं उसका भी हम फेस पैक बना सकते हैं, वो हमारी स्किन को बेदाग और ग्लोइंग बनाता है। तो इस फेस पैक को बनाना कैसे, मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अमरूद का पेस्ट। ये देखिए, मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। आप चाहे मिक्सी और ग्राइंडर की हेल्प से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिएगा। और उससे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसमें 1 चम्मच अमरूद का पेस्ट डाल दीजिए और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी जो होता है हमारी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है और समय से पहले जो हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और उसके बाद ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। देखिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर दीजिए और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया और अभी हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, फेस पैक अच्छे से अप्लाई हो गया। 10 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो आप इसे वॉश कर लीजिएगा। फेस वॉश अच्छे से कर लिया है, ठीक है। और आप भी इस फेस पैक को जरूर यूज कीजिएगा। इस फेस पैक का फायदा यह है कि इससे हमारी स्किन अब बेदाग तो होगी और साथ के साथ जो हमारे एजिंग साइन होते हैं, जो फाइन लाइन, रिंकल्स और डार्क स्पॉट, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते हैं और हमारी स्किन टाइट और ग्लोइंग लगती है। तो आप इस फेस पैक को हफ्ते में 3 बार भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।